आपको लग रहा होगा कि ये डार्क डार्क क्यों है, आपको पता है कि कहीं और ही आ गए हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट काफी बेहतर लग रहा है, एकदम घर वाला दे रहा है टेस्ट, देख सकते हैं आप। गुलाबो जयपुरी कश्मीरी लाल मिर्च है और कुछ चीरी वगैरह दिया हुआ है। प्लेस नाम को बहुत अच्छा लगा, एंजॉय। हाँ जी, हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम आगे एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने, ठीक है। हम लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन है हमारा बोरिंग रोड में जो सीमेज कॉलेज है ना, सीमेज आप लोग जानते होंगे, उसी के अपोजिट में आपको मिलेगा, क्या नाम है, ला फ्यूमी। एंड ला फ्यूमी का मतलब क्या होता है ये भी हम अंदर जाकर पूछेंगे, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मैनेज करते हैं या फिर ओनर है? अच्छा, आप मैनेजर। हम लोग का तंदूर का जो ज्यादा बेसिकली जो ही है स्टार्टर्स, वो स्मोक्स हम लोग रिलेटेड रखते हैं। ला फ्यूमी, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा, एक बड़ा ही अच्छा सा लिखा हुआ है फॉन्ट में, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मैक्वेरियम लगा हुआ है। अब इधर हम लोग को एक सेल्फी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। एंड जस्ट इधर आते हो ना तो आपको ये मॉकटेल बार मिलता है, ठीक। यहाँ पर आपको तरह तरह के मॉकटेल्स वगैरह मिल जाएगी। ये जो आपका हो गया ना, बेसिकली ये आपका हो गया डाइनिंग एरिया। लाइक एक एरिया आपको हम दिखाएंगे अभी जहाँ पर आप हैंग आउट करो, पार्टी वार्टी मनाओ, डांस वांस करो, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर आकर खाना वाना खा सकते हो। ये आपका हो गया डाइनिंग एरिया, काफी ज्यादा खूबसूरत हमको ये लग रहा है। इसका एम्बियंस आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत जी। अब आपको लग रहा होगा कि ये डार्क डार्क क्यों है, आपको बताते हैं डार्क डार्क क्यों दिख रहा है। क्या कैमरा लाइट भी जलाकर ये वाला सेक्शन दिखाने वाले हैं, बट ये डार्क में आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा लग रहा है यार। ऑन करके दिखाते हैं कि कैसा नजारा है यहाँ का जी। हो गया लाइट ऑन, देखिए कुछ ऐसा सा यहाँ का इंटीरियर है भाई साहब। आपको प्लेस दिया हुआ है यहाँ पर, बड़े बड़े आप जिसका भी नाम वाम चाहो तो लगा सकते, वही 12-15 के करीब आपको बीन बैग दिया हुआ है। तो भाई ये वाला प्लेस ना हमको बहुत अच्छा लगा एंजॉय करने के लिए। बड़े बड़े कुछ भी फ्रेंड के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, बड़े बड़े मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, और क्या ही चाहिए भाई लाइफ में, है ना, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। लाइक लाइफ तो आपको हम बार बार कहते हैं बहुत स्ट्रेस में कटती है, ठीक है, तो कभी कभी इंजॉयमेंट होना चाहिए। गाना वाना बजाइए, बॉक्स आपको दी हुई है, सारी चीजें दी गई है, वाईफाई से कनेक्टेड कीजिए, ब्लूटूथ से कनेक्टेड कीजिए, अपने मन जो भी गाना बजाना है बजाइए, एंजॉय कीजिए। अब हम लोग खाना खाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो फूड है ना वो कैसा है, मतलब फ्रेश फ्रेश है कि नहीं, क्वांटिटी क्वालिटी सही है कि नहीं, ये देखना हमारा ही फर्ज बनता है ना। तो चलिए मेरे साथ खाने के लिए। ला फ्यूमी टेस्ट इज आवर आइडेंटिटी। ओके ओके, जब हम लोग अंदर आए सबसे पहले चाइनीज में हमारा बहुत सारे यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, वेज नॉन वेज दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीजर्स वेज हो गया आपका, सीजर्स नॉन वेज हो गया, काफी सारी चीजें भी कौन चीज है हमारा। और ये हो गया हमारा ओरियो से, तो ये हमारा स्टार्टर्स है। क्रंची बहुत ज्यादा है, वाकई टेस्टी है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होती है ना काफी सही मात्रा में डाली गई है, लाइक ज्यादा भी स्पाइसी नहीं है। एक नंबर, आपको एक ओरियो का बिस्किट भी देखने को मिल जाएगा और बाकी हर्सेस वगैरह डाली हुई है, टेस्टी है। कश्मीरी नान वो लोग बताए, कश्मीरी नान है ये, बटर मसाला है, ठीक है। और ये हो गया कुछ सलाद वगैरह दिया गया अनियन का, जो कि आपको पता होगा अनियन खाते नहीं है, फिर से मेंशन कर देते हैं, तो इसको जूठा करना या बर्बाद करना सही नहीं होगी। बटर मसाला जो है इसमें चीज़ डाला हुआ है और इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च है और कुछ चीरी वगैरह दिया हुआ है और साथ ही साथ इस पर भी चीज़ है। काफ़ी स्मूथली ये टूट गया है। और बात करें अगर हम पनीर बटर मसाला के टेस्ट की तो बढ़िया है, हल्का सा मीठापन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पनीर बटर मसाला जो होता है हमारा, या पनीर मसाला जो भी सब्जी होता है ना उसका बनता है पनीर का, ज़्यादातर आपको एक मिठास वाला टेस्ट आता है उसमें। इसका कलर काफ़ी बेहतर है, कलर देखिए, कलर काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बढ़िया से इसको गार्निशिंग भी किया गया है, सुंदर लग रहा है। देखिए कौन कौन सा वाला है, ये तो ब्लू लगून्स हो गया, कौन सा, गुलाबो जयपुरिया। ओके, ये गुलाबो जयपुरिया है, ठीक। और ये हो गया हमारा ब्लू लगून्स, जैसा कि आपको हम फिर से बता दें कि ब्लू लगून्स हम पहले भी ट्राई किए हैं और हमको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए ये वाला आज हम ट्राई करेंगे। और ना सबसे बढ़िया हमको क्या लग रहा है, ये जो इस तरीके से टेबल पे दिया हुआ है ना, ये लग रहा है कि कहीं और ही आ गए हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर लगा। ये इंटीरियर इस टाइप का होना चाहिए, काफ़ी बेहतर लगा। गुलाब गुलाब का फ्लेवर भी आ रहा है इसमें, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है।
ब्लू लगूंस बेहतरीन. क्या लग रहा है ना दिखाइए, लहसुन एकदम घर वाला दे रहा है टेस्ट, देख सकते हैं ये देखने में भी और खाने में भी शायद से ऐसा ही लगेगा. इस्टू वाला आप मत कीजिए, आप वो प्लेट वगैरह लेकर आए हैं, मेरा कहना है कि क्यों ही बर्बाद करना है, जस्ट यहाँ से अब खा कर हम निकलेंगे. इस्टू वाला है, इसका ग्रेवी हम अभी टेस्ट किए दो बार और ग्रेवी सच्ची में ये जो चिकन देहाती ये बोल रहे हैं ना, चिकन देहाती जैसा ही लग रहा है, घर में जो हम लोग बनाते हैं ना चिकन ऐसा ही टेस्ट आता है. चिकन लेग पीस ये बोन को बहुत ही आराम से छोड़ दे रहा है, देखिए यानी कितने सही से इसे पकाया गया है. ये देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इसमें मसाला मसाला डालकर उसको काफी टेस्टी करने की कोशिश किया गया है, काफी नॉर्मल तरीके से बनाया गया है. इसका जो ग्रेवी है वो एकदम स्टू, देखिए हड्डी को कितने आराम से ये छोड़ दे रहा है, कितने आराम से छोड़ दे रहा है ये देखिए. ओ भाई बहुत टेस्टी है, मजा. आपको तो हम प्राइस मेंशन किए ही नहीं तो अभी आपको बता देते हैं प्राइस. 249 हमारा बेबी कॉर्न का हो गया, 159 का आपका सेक था, देहाती चिकन का क्या था, 329 का आपका हो गया. ओके कश्मीरी नान जो हमारा था वो 85 था और 279 आप बताए पनीर बटर मसाला का. 149 का पड़ेगा ब्लू लगूंस और 149 का ही आपका पड़ेगा गुलाबो, जयपुरी गुलाबो. तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हुए बोलना चाहेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.